फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दैट इज़ लड्डू की दुनिया। एंड आई होप आप सब कोई बहुत 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 ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को शुभ दीपावली। तो चलिए अभी हम चलते हैं, थोड़ा बाहर में घूमते हैं, फिरते हैं, क्या क्या करते हैं आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, और कहाँ कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए हमारे साथ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम सब रेडी हो चुके हैं और अब बस हम निकलने ही वाले हैं। बाहर में काफ़ी बारिश हो रही थी दोपहर के टाइम में, हम तो सोचे थे कि हम जा ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश रुकी हुई थी, तो हम सब रेडी हो गए जल्द से जल्द और निकल पड़े। और ये देखिए, टोटो भी आ चुका था और हम सब रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अंदर में हम सब बैठे हुए, पूरा अंधेरा, बाहर में भी अंधेरा हो चुका है क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो इसीलिए बाहर में भी अंधेरा अंधेरा था और टोटो के अंदर भी अंधेरा। और ये देखिए, अभी भी बारिश हो रही है, धीमी धीमी सी बारिश हो रही है, और हम सब निकल पड़े हैं पंडाल हॉपिंग के लिए दिवाली का, है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारे लोकल में, जहाँ पे हमारा ससुराल है वहाँ पे लोकल में, जहाँ पे पंडाल जो भी थे, छोटे मोटे से, छोटे नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी बड़े बड़े भी थे, तो वो वाला। ये देखिए, पहले वीडियो मैंने आपको दिखाया था, वो दिन के टाइम में दिखाया था जो रेडी हो रहा था लंदन ब्रिज, और अभी हम शाम के टाइम में आए हैं, रात के टाइम में, एकदम रात और शाम के बीच में। तो अभी इसका लाइटिंग देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, बहुत ही एक अच्छा लाइटिंग दिया गया यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये वहाँ का काली माँ का जो मूर्ति है यहाँ पे रखा हुआ है, वो साइड में था, और वो जो ब्रिज था वो उसके बगल में बना हुआ था फ्रेंड्स, और उसके नीचे में से ये जो माँ का मूर्ति रखा हुआ था। तो ये देखिए, और एक व्यू यहाँ पे वही ब्रिज का, देखिए वहाँ पे दो तीन गाड़ी है वहाँ पे, और यहाँ पे ब्रिज खुली हुई है बीच से, और नीचे में पानी है। तो बहुत ही एक अच्छा एक थीम रखा गया था, बहुत ही अच्छा। तो और लाइटिंग के साथ तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। सुबह के टाइम हम जब गए थे, आप जो वीडियो में देखे होंगे, तो उस टाइम तो बस तैयार हो रहा था, और अभी ये फाइनल लुक है इसका। और यहाँ पे देखिए, इतनी बारिश हो रही थी, सभी के हाथों में छाता था, तो क्या करें। और अब देखिए नेक्स्ट पंडाल, इतना खूबसूरत इसका थीम था, देखिए कितना अच्छा लग रहा था। अगर यहाँ पे एक वीडियो शूट किया जाता तो कितना अच्छा लगता। इसका लाइटिंग इतना अच्छा लग रहा है, डे टाइम में आई थिंक आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए लाइटिंग के साथ यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस बहुत अच्छा बना भी हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे, चूँकि बारिश हो रही थी तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा था। देखिए अभी भी यहाँ पे देखिए पानी के ड्रॉप्स आ रहे होंगे, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप्स आ रहे हैं पानी के। तो खैर कोई बात नहीं, इतना तो बनता है, क्यों फ्रेंड्स, है ना। तो वीडियो देखते देखते आपको याद है ना फ्रेंड्स क्या करना है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इन आवर चैनल दैट इज़ लड्डू की दुनिया। तो लाइक ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाए फ्रेंड्स। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से, बारीकी से यहाँ पे ये पंडाल को तैयार किया गया था। और इसके बाद में जो भी है, और भी आगे में और भी अच्छे अच्छे और भी पंडाल है। तो ये शाम के टाइम में हम निकले हुए थे, और ये पंडाल, ये माँ काली जी का मूर्ति बहुत ही अच्छा बना था। और ये देखिए एक दूसरा पंडाल, यहाँ पे इतना बारिश हो रहा था और यहाँ पे पूरा जो फील्ड है ना, यहाँ पे पूरा भीगा हुआ था, तो हम यहाँ से उतर नहीं पाए, इसीलिए इसको हमने दूर से ही इसको कैप्चर किया। और ये था रोड में लाइटिंग, और यहाँ पे बारिश हो रही थी, थोड़ा सा चाय तो बनता है, तो हम थोड़ा यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए थे। और यहाँ पे लड्डू, हम सब और भी बहुत लोग थे हमारे साथ, तो हम सब लेज़ वगैरह खाए चाय, और ये खास्ता वाला बिस्किट जो होता है ना, किस किस को पसंद है चाय के साथ, तो हम यही खा रहे थे। और ये हमारा जहाँ पर हमारा ससुराल है वहीं पर, वहाँ का पूजा है ये। तो बस इसी तरीके से हम इंजॉय कर रहे थे दिवाली, काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पे अब हम मोमबत्ती जला रहे हैं पंडाल घूम के आने के बाद, उसके बाद हम यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह जला रहे थे। तो यहाँ पे लड्डू पूछ रही है आप सब क्या कर रहे हैं, तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे हम लोग अभी मोमबत्ती जला रहे हैं, और बाहर में अभी भी बारिश हो ही रही है, अभी भी बारिश हो ही जा रही है। दिवाली के दिन तो बस बारिश बारिश और बारिश, और उसके बाद तो इतना ठंड लग रहा था, मत पूछिए। तो खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हमारा मोमबत्ती जलाना यहाँ पे अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा लड्डू का पटाखा फोड़ना। तो हमने बस इसी तरीके से एंजॉय किया। तो वीडियो को आप एंजॉय करते रहिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ हम कहाँ गए, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए लड्डू का फूलझड़ी, फूलझड़ी जला रही है वो।
तो आप इसे एंजॉय करते रहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम निकल पड़े थे कृष्ण नागौर में यहाँ पे पंडाल देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का पूजा दिवाली का जो काली पूजा का जो पंडाल होता है बहुत ही फेमस होता है। तो उनमें से ये है एक पंडाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंडाल बना था बहुत ही अच्छा बना था, और माँ का मूर्ति तो उससे भी ज़्यादा अच्छा बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये किस किस को अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स प्लीज़। तो आगे में भी यही है, और कृष्णनगर में और भी जो भी अच्छे अच्छे पंडाल है तो हमने कोशिश किया था, हमने देखा था, लेकिन सब पॉसिबल नहीं हुआ पाता जितना हुआ था, हमने देखा था। ये देखिए, और एक माँ काली का मूर्ति, बहुत ही एक खूबसूरत सा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा एक मूर्ति लग रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए और एक पंडाल है यहाँ पे, जिसका डेकोरेशन बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे किया गया था। ये देखिए, ये बाहर का है पंडाल का व्यू, उसके बाद हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो अंदर का व्यू भी आप इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कृष्णनगर में जो भी छोटे मोटे जितने भी पंडाल हुए थे हमने यहाँ पे कैप्चर करने का कोशिश किया है। सब देखना तो पॉसिबल नहीं हुआ था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, और मैंने जैसे कि पहले से बता रही हूँ यहाँ पर काफ़ी बारिश भी हो रही थी। तो खैर इस टाइम में थोड़ा बारिश रुकी हुई थी, ये एक अच्छी बात है, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी तो इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। और ये देखिए अंदर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और इस यहाँ तक तो था, उसके बाद फिर हम घर चले गए। उसके बाद ये दूसरा दिन का है, सुबह सुबह हम निकले थे, बस थोड़ा मोड़ा और भी जो हमारे लोकल में कुछ पंडाल थे जो हमने पहले दिन कैप्चर नहीं कर पाए या फिर देख नहीं पाए, तो उसे हम दूसरे दिन फिर थोड़ा सा हमने यहाँ पे कवर किया था, तो देखे भी थे हमने। तो ये थे कुछ पंडाल, ये देखिए, बस गाड़ी में जाते जाते ही हम यहाँ पर व्यू यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है और एक दूसरा पंडाल, ये मैं सोची कि पहले वाला जो था लाइट वाला, ये वाला नहीं, लेकिन ये थीम ही इस तरीके से है, बहुत ही अच्छा। ये भी एक विलेज का एक यहाँ पे पूरा बना हुआ था पंडाल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से वीडियो को एंजॉय करते रहिए। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हुआ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इन आवर चैनल दैट इज़ लड्डू की दुनिया। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक बहुत ही अच्छा एक व्लॉग के साथ। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ पंडाल से छोटे छोटे, आप उसे एंजॉय करते रहिए। तो आप सभी को फिर से मैं बोलना चाहूँगी, आप सभी को हैप्पी दीपावली। थोड़ा लेट है लेकिन कोई बात नहीं, क्यों फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, यार से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।